सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। अभी हम ज्योति दीदी की शेयरिंग को सुनेंगे। ज्योति कुलश्रेष्ठ दीदी, दीदी मैं आपका परिचय रख देती हूँ, फिर आप अपनी शेयरिंग के लिए शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर ज्योति कुलश्रेष्ठ दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा यूनिवर्सिटी आगरा, और उनका 23 साल का एक्सपीरियंस है, और उनके कोर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। वो ह्यूमन वैल्यूज़ 2013 से पढ़ा रही हैं, और उन्होंने SIP हैंडबुक में भी काम किया है, और भागीदारी वो हेल्प डेस्क एंड PPI कॉलिंग में भी ऑनलाइन वर्कशॉप में करती हैं। और दीदी ने एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो एक फेस टू फेस FDP में अपना रोल निभाया है। तो दीदी आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू दीदी। नमस्ते सभी को। 2013 से, जैसे कि दीदी ने बताया, मैं UHV से जुड़ी थी। सबसे पहले मुझे ये एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाने मिला था। एकदम नया सा सब्जेक्ट था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगा कि इंजीनियरिंग के बच्चों को कैसे मैं इस चीज को पढ़ाऊंगी। तो खैर, बागड़िया सर की बुक उठाकर पूरी पढ़ी, बहुत अच्छे से गो थ्रू हुई मैं उस बुक से, और मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने पहली बार FDP की थी, 8 दिन की, उमेश भैया के साथ में। और 15 से लेकर 20 तक कुछ FDP की तो थी, बट उद्देश्य था वो पढ़ाना था। और जब मैं पढ़ाने जाती थी तो फिर नेचुरली अपने प्रति क्वेश्चन बनते थे। जब हम बच्चों से कहते हैं कि हाँ ये स्थिति है और ये प्रस्ताव है, तो वो खुद पर वेरिफिकेशन उस पर होने लगा था। तो 15 से लेकर 20 तक जो मेरी स्थिति थी, वो उमेश भैया एक बार बता रहे थे कि तीन तरह के लोग होते हैं जो सुनते हैं, कि कुछ लोग सुनाने के लिए सुनते हैं, कुछ लोग समझने के लिए सुनते हैं, और कुछ लोग जीने में लाने के लिए उस चीज को सुन रहे होते हैं, या हम एक ही व्यक्ति के अलग अलग स्टेट भी हो सकते हैं। तो मैंने उस समय, अभी कानपुर में हम गए थे, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह देख पाई कि 20 तक तो मैं सुनाने के लिए ही सुन रही थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट है और मैं बच्चों को बहुत अच्छे से दे पाऊँ। तो वो मेरा जो पूरा आ, आ, जो फोकस था, वो एक अच्छी टीचर बनने में और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में था। तो उस समय में मेरे बच्चों के साथ में बहुत अच्छी ट्विनिंग नहीं बन पाती थी, क्योंकि मैं वो पर्सनलाइज होकर या उस लेवल पर जाकर उस चीज को देख ही नहीं पाई थी। 2020 में सबसे पहली बार मैंने संस्थान विजिट किया था। संस्थान में 1 दिन का फैमिली वर्कशॉप था, जहां मैं अपने परिवार को लेकर गई थी। और वहां पर जाकर मुझे ये चीज दिखी पहली बार इतने सालों बाद, कि ये एक सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है जो कि चल रहा है, और इसमें लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित हूँ। तो वहां जाकर फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, यहाँ पर करने के लिए बहुत है, और ये इतना हल्के में चीज नहीं है जितना कि मैंने उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में ले ली है। तो वहां से फिर मेरे को, मतलब मैं, मुझे लगता है कि हाँ UHV रिवाइव हुई मेरी वहां से। और वहां से फिर पहली बार जो मॉर्निंग सेशन गणेश सर ने लिया था, वहां से लौट, तो वहाँ फोन आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो सुबह सुबह हम इस चीज को सुनेंगे। तो बहुत अच्छी तरह मैंने पहले दूसरे सेशन तो पूरे लैपटॉप के साथ में बैठकर और पूरे नोट्स लेकर किए थे, बट फिर बीच में क्या स्थिति बनी कि अवमूल्यन होने लगा। फिर ये लगने लगा कि निराशा सी होने लगी, मतलब कि चीजें हो नहीं पा रही हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता चल गई हैं पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पा रही है। तो वो भी एक फेस मेरा रहा जिसमें कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो मुझे ये लगने लगा था कि मैं तो कितने सालों से इस सब्जेक्ट से जुड़ी हूँ, पर मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं आता। तो वो भी एक फेस रहा। फिर धीरे धीरे एक बार मेरी शेयरिंग पे ही गणेश सर ने मुझे बोला था कि भाई जितना है उस उतना उतने का उत्सव मनाइए, और जितना नहीं है उसके लिए उत्साहित रहिए। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी, और तब से मुझे यही है कि हाँ अब मैं देखती हूँ कि जितना है अचीवमेंट्स को देखती हूँ, और जो करना है उसके लिए उत्साहित रहती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इसको मैं अपना
मैरिज सेविंग सब्जेक्ट बोलती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था और ट्रस्ट के कंसेप्ट को पढ़ा था, तो वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और इतने सालों में मैंने संबंधों पे काफी काम किया है। पहले हम एक्सरसाइज के बारे में मैं अपनी बात रख दूं। एक्सरसाइज 1 में जब हम देखते हैं तो विचारों को देखना कंटिन्यूटी में, अब ये चलता रहता है। विचार सहज है या असहज है ये भी दिख जाता है ना, सहजता से हार्मनी होती है। जो चौथा स्टेप है, ये बहुत अच्छी तरह से मैं पकड़ पाती हूँ कि निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ, और जब मैं निर्णय मैं ही ले रही हूँ तो शिकायतों से मुक्त रहती हूँ। अभी जैसे हमारे यहाँ बहुत उथल पुथल चल रही है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज साथ में चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा शिकायतों से भरे रहते हैं, और मेरे कुछ उनमें बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मैं उनके साथ में जाकर हमेशा बैठती भी हूँ। फिर जब मैं वहां बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, और इनके साथ में बैठने से, पर मैं वो देख पाती हूँ कि मैं अपनी स्टेबिलिटी के साथ में उनके साथ में बैठती हूँ, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है तो उतना इस चीज का ध्यान दिलाती हूँ कि निर्णय किसने लिया है। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी सिस्टम में हूँ तो कुछ मुझे जबरदस्ती तो किसी ने रोका नहीं है, और जब मुझे नहीं रोका है तो फिर मैं क्यों हूँ, है ना। तो एक बार मैंने अपने से बोला भी कि भाई, दो दो आपके सामने ऑप्शंस हैं, या तो सिस्टम में रहिए या सिस्टम को छोड़ दीजिए, और अगर हम सिस्टम को छोड़ने की स्थिति में नहीं है तो हमें सिस्टम में ही रहना है, और जब हमें सिस्टम में रहना ही है तो फिर हम शिकायतों के साथ में क्यों रहें। तो ये चीज मैं काफी अच्छी तरह से अपने में देख पा रही हूँ, चौथा स्टेप कि निर्णय तो मेरा ही है, और जब ये चीज दिख जाती है कि निर्णय मेरा है तो फिर शिकायतें नहीं होती हैं। पांचवा स्टेप जो है मान्यता है या समझ है, ये वाला यहाँ पे अभी काम बहुत करना है, क्योंकि ये जब दिखता है समझ दिखता है कि मान्यता है और उसके पीछे कौन से संस्कार काम कर रहे हैं, तो कईयों बार ऐसा होता है कि संस्कार भी दिख रहे हैं बट उस पे काम नहीं हो पा रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब वर्क इस पे अभी मुझे करना है, काम मैं कर कर रही हूँ और पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे करना है वो तो अब काफी चीजें समझ में आने लगी हैं, पर कब तक होगा ये चीज थोड़ी अभी मुश्किल लगती है कि ये कभी कभी फिर दिखता है। हालांकि अब कोई हड़बड़ी नहीं है, ये बहुत पेशेंस आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, तो हड़बड़ी तो नहीं है, पर हाँ ये चीज दिखती है कि संस्कार दिखा पर उस पर काम नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा संस्कार है, जैसे कि मेरा संस्कार है कि छुट्टी वाले दिन मेरे को देर तक सोना है ना, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं जल्दी भी उठ जाऊंगी तो, पर वो है मतलब वो मैं मतलब निर्णय पूर्वक सारे अलार्म ऑफ करके और आराम से सोती हूँ कि कल तो छुट्टी है। तो इस पर मतलब ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इस टाइप के बहुत सारे संस्कार हैं जो मुझे दिखते हैं पर उस पर काम अभी नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ में संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व दिखने लगे हैं, संबंधों को बहुत अच्छी तरह मैं काम कर पा रही हूँ, और संबंधों में ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में मेरा संबंधों पर ही बहुत काम हुआ है और बहुत हार्मनी भी बनी है। सिस्टम में व्यवस्था के प्रति ये जो 20 के बाद में मेरा स्टूडेंट्स के साथ में बहुत अच्छा काम हुआ एज ए टीचर, मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं, सिर्फ पढ़ाना और कंटेंट देना ही मेरा काम नहीं है, बच्चों को उस चीज की समझ बढ़ाना भी मेरा काम है। तो वहां पर जाकर मैं उस चीज को, जब से मुझे ये चीज दिखी तब से मैं ये देख पाती हूँ कि बच्चे भी जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर मेरे पास में आते हैं, और अपनी उनको ये चीज की आश्वस्ति बनी है कि हाँ, इनके पास में जाके किसी चीज का समाधान हमको मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे अपने अंदर दिखता है। सह अस्तित्व में ये चीजें तो सब दिखती हैं कि हाँ, सह अस्तित्व है, बट अभी मुझे स्पेस नहीं दिखता है, मतलब शब्दों के रूप में तो मुझे समझ में आया है कि हाँ भाई ये स्पेस है, पढ़ा भी देते हूँ, बट दिखता नहीं है। मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे दिखना है, तो मतलब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हिडन है जो कि मुझे अभी दिखी नहीं है।
इसी तरह से अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पे निरंतर काम चल रहा है। एक्सरसाइज 2 में बॉडी और सेल्फ का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, मैं चैतन्य हूँ और दोनों अलग अलग हैं, मैं शेयर करूंगी। अभी मैंने इसको कानपुर में भी अपनी एक शेयरिंग में बताया था कि शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ना है ना, ये मेरा काम है। जो हम तीसरे स्टेप में पढ़ते हैं कि निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया अपने अपने ऊपर, कि जब हमें दर्द महसूस होता है तो वो दर्द, मतलब मुझे कौन सा वाला दर्द महसूस करना है ये भी मेरे ही हाथ में है। जैसे कि मान लीजिए सर में दर्द है और पीठ में भी दर्द है, तो अब मैं कौन सा दर्द को पकड़कर बैठूंगी ये भी मेरे ही हाथ में। और ये भी देखा कि बहुत लंबे समय तक अगर हम किसी एक सेंसेशन पर मैं अगर अपने को फोकस करती हूँ तो वो धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाता है। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने नीचे क्लासेस अपने लिए ले रखी थी कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है तो अभी मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, तो एक एक 2 महीने तो वही गए थे मुझे नीचे क्लास लेते हुए। उसके बाद में नई हमारी वाइस चांसलर मैडम आ गई और उसके बाद में एकदम से काम का लोड बढ़ा। अब जैसे ही काम का लोड बढ़ा तो मेरी जो केबिन है वो तीसरी मंजिल पर है कॉलेज में, तो वो मैं दिन में 4-4 बार वो सीढ़ियां उतर जाती थी, कि क्योंकि वो सेल्फ का इंस्ट्रक्शन होता था और ये दिखता था कि नहीं इस समय में ये काम जरूरी है। और मैं जब सीढ़ियां चढ़ रही होती थी तो मैं इस चीज को देख रही होती थी कि मतलब कितना दर्द हो रहा है, और वो चीज मुझे बहुत अच्छे से दिखती थी कि हाँ ये प्रिकॉशन लेना ठीक था एक अपनी जगह, बट अब अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो शायद मैं 2 महीना और नीचे ही बैठी रहती कि नहीं अभी तो मेरे स्टिचेस हैं तो मुझे प्रॉब्लम है। तो इस चीज को मैंने मतलब दर्द को भी देखा और दर्द को स्वयं से अलग रहकर भी देखा, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रही मेरे लिए। इधर कुछ समय में घर पे भी रही तो सेल्फ एंड बॉडी के फर्क को देखती रही, और एक अवसर के रूप में ये ऑपरेशन था जिसमें कि मुझे ये चीज समझ में आई कि दर्द मैं दर्द नहीं हूँ, दर्द जो हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, और वो उसको ठीक करना मेरी प्रायोरिटी बनती है। तो मैं जब निर्णय लेती हूँ तो उसके हिसाब से दवाइयाँ शरीर को देती हूँ और अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाती हूँ। जो छठवां स्टेप है ये बहुत जल्दी मेरे को इफेक्ट तो अभी भी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि बाहरी परिस्थिति का जो प्रभाव है मेरे शरीर के ऊपर, तो उसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होता है, इमीडिएट मुझे दिखता है अब आजकल। पहले मुझे लगता था जैसे एकदम से कोई मुझसे कुछ गलत बोल दे तो एकदम से पैरों में झंझनाहट होगी, पेट में कुछ खालीपन सा हो जाएगा, तो एकदम से मेरा ध्यान जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मतलब अच्छा ये वाली आज घटना हुई है, इसके कारण ये शरीर पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं उसको देख तो पाती हूँ। पर हाँ, क्योंकि पहले ये प्रभाव बहुत लंबा रहता था और अब ये प्रभाव जो है वो दिख जाता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा कह रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा जल्दी मैं उसको ओवरकम कर पाती हूँ, है ना। ये जो भी निर्णय है मेरे मुझे ही लेना है ये भी दिखता है, और सुखी मुझे रहना है ये भी दिखता है, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम से उसको कर पाती हूँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट तो आता ही है। मान लीजिए कि आप मुझसे अगर किसी ने कुछ खराब बोल दिया तो वो इम्पैक्ट तो आता ही है। वो आशा लेवल पर शायद ये बना रहता है कि मैं बहुत अच्छी बनी रहूं सबकी नजरों में, हालांकि उस पर अभी मैंने बहुत काम किया है, तो ये चीज मुझे दिखती है कि मतलब दूसरे को सुखी करना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में बस एक सहायता देना है, मेरा सुखी रहना मेरे हाथ में है। बट उस चीज को मैं देख पाती हूँ कि स्वतंत्रता पूर्वक जीने का जो निर्णय है कि संवेदनाओं को पढ़ना है और स्वभाव में भी बने रहते हुए सुखी रहना है, तो वो दिखता तो सब है
पर जब इम्प्लीमेंटेशन का नंबर आता है तो उसपे इम्पैक्ट तो आता है, बस फर्क इतना हुआ है कि वो इम्पैक्ट का समय जो है वो थोड़ा कम हो गया है ना। इसके साथ में सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, और हम दोनों ही अस्तित्व में है ये चीज दिखता है। बट स्टिल शून्य के लिए अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, शून्य नहीं दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है देखने के लिए, तो उसमें मैं अपना काम अभी निरंतर रखी हुई हूँ। इसके साथ में सुख स्वभाव है या प्रभाव है, ये भी चीज मैं देख पाती हूँ कि प्रभाव से तो सुखी नहीं हुआ जा सकता, पर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जो ये पहले स्टेप की बात हम कर रहे थे कि जैसे मैं अभी अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुकी थी, कानपुर गई थी, तभी तो मैंने उनके बच्चे को बोला कि आप कुछ गिफ्ट ले लीजिए, तो उसने गन पसंद की ऑनलाइन, और मैं नहीं चाह रही थी कि वो गन ले, पर अब क्योंकि मैं उसको बोल चुकी थी तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या चल रहा है ये, मैं बच्चे से क्यों नहीं बोल पा रही कि तुम गन मत लो, ये एक अच्छा टॉय नहीं है। तो इसमें ये भी लग रहा था कि ये भी मान्यता हो सकती है कि ये एक अच्छा टॉय नहीं है, या ये भी मान्यता हो सकती है कि वो थोड़ी कॉस्टली उसने चूज की थी इसलिए मैं मना कर रही हूँ। तो वो चीजें मेरे मन में बहुत चलती रही, बट मैं उसको बोल नहीं पाई। मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अब तो उसने बोल दी है तो उसको दिलाना ही पड़ेगा, और मैंने भी बोल दिया है तो मैंने उसको दिलाया भी, बट ये मेरे मन में बहुत चलता ही रहा कि मतलब ये इसको नहीं लेनी चाहिए, या हमें बच्चों की इस तरह की टॉयज नहीं दिलाने चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं अभी तो हम सुनने लगे हैं इसलिए हमको लगता है, अदरवाइज पहले तो मैं भी अपने बच्चों को गन दिला ही देती थी, अब उस तरफ ध्यान गया है इसलिए ये चीज जा रही है तो वो भी जाएगा करेगा ही। तो ये सारी चीजें मतलब अभी मतलब कहना चाहिए कि इम्बैलेंसेस वाली स्थिति में चलती रहती है, पर हाँ उत्साह इस बात का है मुझे कि दिखती है ना, आज नहीं तो कल उसमें शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। तो मेरा ही स्वभाव है, मेरे को ही सुखी रहना है, बाहरी परिस्थिति कोई भी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो मेरे सुख को निर्धारण निर्धारण करेगी, ये चीज को भी मैं देख पाती हूँ। और जो जीने का स्तर है वो भी अभी मतलब मैं अगर परसेंटेज में बोलूँ तो 70% तो अभी भी संवेदनाओं के स्तर पर ही जाता है। हाँ अभी 30% मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अनुकूल प्रभाव में जीने के लिए हमारी ज्यादा प्रयास रहते हैं। सुबह से उठकर जॉब जॉब पर जाते हैं और वहां पर आते आते 6 बज जाता है, अगर आते आते तो ज्यादा समय जो है परसेंटेज ऑफ द टाइम डे तो मेरा संवेदनाओं के संदर्भ में ही जाता है। पर हाँ 30% मुझे लगता है कि अब मैं सेल्फ की तरफ भी और समझ को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ, है ना। तो चैतन्य के अर्थ में 30% मेरा जाता है, और कितना मान्यता और संवेदना पर आधारित है इसमें मुझे अब लगता है कि 60-40 का रेशियो, शायद अगर मैं गलत अपने को एवेल्युएट नहीं कर रही हूँ, तो 60-40 का रेशियो मुझे ऐसा लगता है कि 40% टाइम पे मैं ये देख पाती हूँ कि सहज रूप से क्या स्वीकार है। जैसे बच्चों के साथ में भी मेरे डिस्कशंस होते हैं तो मुझे ये दिख पाता है कि सहज रूप से तो संबंध ही स्वीकार है। अब बच्चे जिस भी स्थिति में हैं उन्हीं स्थिति में रहकर उनके साथ में संबंधों को आगे बढ़ाना है, और मान्यता और संवेदना भी उतना मोर अभी तो मोर ही चल रहा है। कल भी मेरे बेटे का बर्थडे था तो वही मन नहीं था कि केक नहीं लेना है मुझे, बट स्टिल वो किसी ने भेज दिया, बिटिया ने हमारी ने, तो वो फिर आया भी और कटवाया भी। तो वो सारी चीजें मतलब एकदम से अभी हम संबंधों में उस चीजों को रिफ्यूज नहीं कर सकते, और मुझे ये लगता है कि संबंधों को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों पे बहुत एडामेंट होने की भी आवश्यकता नहीं दिखती मुझे। तो इसलिए मुझे मतलब कुछ चीजों को, हो सकता है अभी मैं गलत हूँ नहीं समझ पा रही हूँ, बट कुछ चीजों के लिए मुझे लगता है कि संबंध महत्वपूर्ण है, और संबंध महत्वपूर्ण के लिए कभी कभी संवेदना हो, जैसे किसी के घर गए और चाय पीना है और तो फिर मैं पी लेती हूँ,
मुझे लगता है कि नहीं उसने बना ली है तो अब ठीक है, जब उसने बना ली है तो पी लेना चाहिए। तो वहां पर मैं एकदम एडामेंट नहीं होती हूँ, हालांकि मुझे वो भी दिख रहा होता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बट संबंधों को क्योंकि मैं प्रायोरिटी पर रखती हूँ इसलिए शायद मैं इस काम को कर लेती हूँ। स्वयं में समझ के लिए 2 घंटा मुझे लगता है कि कम से कम अब मैं अपनी लाइफ में निकाल पा रही हूँ, और कोशिश है आगे और भी बढ़ाऊंगी। जो मीटिंग शाम को होती हैं उसमें मैं जो जो जिन जिन ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ तो उसमें अपना पूरा समय देती हूँ। इसके साथ में आगे के कंटेंट को समझने के लिए भी मैं प्रयास कर रही हूँ। जब समय होता है तो शालिनी दीदी के लेक्चर्स को भी मैं, आगे के सब्जेक्ट्स को जो मध्यस्थ दर्शन है उनको मैं सुनती हूँ, और कमिटमेंट मेरा पूरा ही है। कहीं किसी भी तरह के काम में जो मेरा योगदान है, वर्तमान में जहाँ भी मुझे मिलता है ऑनलाइन में जो भी काम मिलता है उसको मैं करती हूँ, और आने वाले समय में भी जो भी काम मुझे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में मेरा अच्छा इंटरेस्ट है, मैंने बताया हुआ है सभी सीनियर मेंटर्स को, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा और करना चाहती हूँ। और UHV के लिए मतलब अब मुझे ये समझ में आ गया है कुल मिला के कि ये बहुत ही स्लोली चलने वाला एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो एक एक व्यक्ति में होना ही है, उसके हुए बिना, जैसे कि अभी भैया बोल रहे थे कि ऊपर से उन्होंने लगा दिया प्राइमरी में तो फिर वो चीज हो पाई, तो ये चीज दिखती है कि ये काम तो होना ही है, इसके हुए बिना तो कुछ आगे जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कितना भी कमा लें कुछ भी कर लें तो वो असंतुष्टि तो बनी ही रहेगी। तो उस चीज को मैं देख पाती हूँ, तो अपने बच्चों के साथ में, बच्चे मेरे दोनों बेटे इससे जुड़े मतलब इससे परिचित हैं, दोनों ने वर्कशॉप की हुई है, हस्बैंड भी एक बार गए हैं तो कंटेंट से वो भी परिचित हैं, और उनकी भी समझ जो है वो है, गीता विता को भी पढ़ते रहते हैं तो उस चीज को थोड़ा समझ पाते हैं, और बच्चों के साथ में बहुत ही ओपनली डिस्कशन हमारे UHV को लेकर होते हैं, और बच्चे भी उस चीज को समझ पाते हैं कि हाँ जो आप जो बात कहते हो वो ठीक है और वो सबके पास में ये कंटेंट होना चाहिए। कॉलेज के बच्चे भी जो है उनकी भी आश्वस्ति अब मुझे दिखने लगी है कि उनको ये चीज लगती है कि हाँ जो मतलब TND डिपार्टमेंट जो चीजें सिखाते हैं उनसे कुछ बेटर चीजें उनको UHV के थ्रू मिल सकती हैं, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल उनका बढ़ पाएगा, तो बच्चों में आश्वस्ति बनी है, ये भी मुझे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने लिए लगता है, और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है दीदी, थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। शर्मिला दीदी से आपकी शेयरिंग को लेकर बात सुन लेते हैं। शर्मिला दीदी आपसे रिक्वेस्ट है। जी नमस्ते ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा नमस्ते आपकी शेयरिंग सुन के। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आप भी आई थिंक काफी लंबे समय से जुड़े हैं, और आप पूरा टाइम मॉर्निंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं या बीच में कुछ ब्रेक हुआ? ये पिछला वाला तो मैंने किया ही नहीं था, ये वाला मैंने किया था शुरू में, फिर मेरा पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था ये वाला। हाँ, वो लगा थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम स्टार्ट करते हैं और शुरू में जो हमारे इतने गहरे संस्कार जो नहीं होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं, हमारे अंदर आराम आने लगता है, तो फिर हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना कि जैसे चलो अब तो हो गया जैसा। लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी दिखता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ गहरे संस्कार हैं जिनके वजह से हमारा भाव ठीक नहीं होता है, तो फिर एक तरह से एक स्टैग्नेशन सा लगने लगता है कि आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही, तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे से उससे हमारा, या तो हम अटेंड करते हैं लेकिन वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा थोड़ा धीमा होते जाता है, बाहर का भी प्रभाव रहता है, बहुत सी चीजें रहती हैं, तो हमारा फोकस अपने अंदर जारी रहे। और आपने बहुत सी बातें बहुत अच्छे से क्लियरली बताई, बहुत ईमानदारी से आपने
अपनी बात को रखा और मुझे लगता है कि बहुत सारा आपने अपने अंदर काम किया ही है, लेकिन मुझे लगता है उसकी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ सकती है। उसके लिए कुछ बातें जो आप कह रहे थे, कुछ चीज़ें जो मेरे ध्यान में आई मैं रख सकती हूँ। जैसे कि जब भी हमारे अंदर कुछ डिस्टरबेंस है, तो ये तो ठीक बात है कि हमारे अंदर का भाव सही नहीं है। तो जो भी संस्कार जैसा भी हो, अगर हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उस क्षण हम अपनी सहज स्वीकृति को ध्यान में लाएं और उसको रेफर करें, तो हम उसी क्षण अपना भाव सही कर सकते हैं, है ना? ये जैसे जैसे हम और इस पर ज़्यादा काम करेंगे, वैसे वैसे हमको धीरे धीरे वो अपने जो गहरे संस्कार भी हैं वो भी दिखने लगेंगे। ये एक बात थी। दूसरी बात, जैसे जब हम कहते हैं कि हम संबंध को सामने रखते हैं और उसके कारण कभी कभी हम बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनसे कि हम अपने अंदर आराम में नहीं हैं, तो उसको भी थोड़ा और गहरे से देखें कि संबंध में रहते हुए हम क्यों बात नहीं कर पाते दूसरे से। यदि हम प्रस्ताव रूप में दूसरे के सामने बात रखें, तो हो सकता है वो उस क्षण उस बात को ना माने या नकार दें, लेकिन हम अपने में तो आराम में रहेंगे, चाहे बाहर वो चीज़ बदली या ना बदली, है ना? तो जैसे बच्चों में जी भी या किसी के भी साथ जब कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है यानी समझ के आधार पर नहीं है, तो हम अक्सर क्या होता है कि हमारा भाव थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो फिर हम बात नहीं करते। तो अपने भाव पर ध्यान देते हुए हम प्रस्ताव रूप में बात को रखें और दूसरा मानेगा नहीं मानेगा, काम उसके आगे करेगा नहीं करेगा, उस पर फोकस ना करें, फोकस इस पर करें कि हमारा क्या रोल है। तो हमने अपना रोल निभा दिया, हमने पार्टिसिपेशन दे दी, तो वो अपना काम तो हमने कर दिया, तो हम आराम में हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने शेयरिंग करी, अगर मैं अपनी तरफ से सब ऐसे ही बोल दूं कि सब अच्छा है सब अच्छा है और आगे कुछ ना कहूं इस डर से कि आपको कहीं बुरा ना लगे, तो फिर मुझे जी भी वो तकलीफ होती रहेगी ना, परेशानी जी लगेगी कि मैंने अपना रोल नहीं किया ठीक से, है ना? तो मुझे लगता है कि सही भाव से दूसरे के सामने प्रस्ताव रूप में रख देना चाहिए जो ना अपने अंदर जो लग रहा है कि सही है। बाकी दूसरा अभी मानने की या ना उस स्थिति में ना हो कि वो आश्वस्त हो हमसे, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से उसी क्षण आराम में आ जाएंगे, है ना? एक तो ये बात, और दूसरा हमारी भागीदारी में हम पिछड़े नहीं रहेंगे। तो दोनों तरीकों से हम हमारे अंदर आराम रहेगा, भाव सही रहेगा और हमने अपनी भागीदारी भी निभा दी, तो हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बात मैं कहना चाह रही थी। तो मुझे लगता है कि काफी तो काम आपने अपने अंदर किया ही है, और इसको थोड़ा और बारीकी में देखें। जैसे कि जब हम कहते हैं कि शरीर और मैं सह अस्तित्व में हैं, ये हमें सही में तभी दिखेगा सही मायने में जब हम शून्य को देख पाएंगे, क्योंकि शरीर भी शून्य के सह अस्तित्व में है, मैं भी शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, तो ये शरीर और मैं का सह अस्तित्व शून्य के साथ ही है ना? तो मतलब अक्सर हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत लोगों की शेयरिंग में भी ऐसा आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपके माध्यम से मैं सबके लिए ये बात रखना चाह रही थी कि
हम जैसे जैसे और बारीकी से स्टेप्स पे जाएंगे, वैसे वैसे दिखेगा कि बहुत कुछ अभी भी हम लोग मान के चलते हैं जो क्लियरली अभी शायद दिखा ना हो, तो उसको अभी हम खुला ही रखें, उस पे हम तय नहीं कर लें कि ऐसा ही है, हम माने ना, हम उसको खुला रखें और जानने का प्रयास करते रहें। तो ये सब बातें थोड़ी सी मेरे को ध्यान में आ रही थी, सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए। तो ये कहते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहती थी आगे के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी। आप जो पार्टिसिपेशन की बात कह रहे थे, अगर आप निधि जी या यशवंत जी के संपर्क में रहेंगे तो मुझे लगता है वो जिन जहाँ भी वो वैसा काम होगा डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो आपको उससे जोड़ पाएंगी। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू शुभकामना। दीदी, बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया। वही चीज मुझे भी लगती है कि मैंने माना हुआ है अभी शून्य को, पर अभी मुझे दिखा नहीं है। मतलब जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी है जो मुझे दिखना है, तो सही वहां बात है, पर, हम सभी हाँ, को देखना है। जी वहां पे मेरी अभी काफी जिज्ञासा बनती है, और ये भी लगता है कि हाँ, मुझे चीजें दिखी नहीं है। बहुत अच्छा दीदी आपने ध्यान दिलाया, और ये भी ठीक है कि हाँ, आपने बहुत अच्छी बात ये भी याद दिलाई कि हमें जब एक बार चीजें लगती हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अब तो वही वही चीजें हो रही हैं, तो हमारी तरफ से थोड़ी लापरवाही भी हो जाती है समझने की प्रक्रिया में। जैसे कि इस बार मैंने शुरू में बहुत ही उत्साह के साथ में इसको ज्वाइन किया था कि नहीं, इस बार मैं पूरा करूंगी, फिर भी वो मेरा बीच में मिस हो गया। बीच इसके पहले वाले तो किए ही नहीं थे, बट इस बार मैंने पूरा शुरू से किया था, बट फिर वही लापरवाही थी हो गई, तो वो पूरा रेगुलर। मैं पवनीन भैया से बोला भी, मतलब भैया मैंने पूरा तो किया नहीं है अटेंड, आप बोल रहे हो शेयरिंग, तो बोले नहीं दीदी, हाँ शेयरिंग तो आप करिए जितना भी हुआ है। तो थैंक नहीं, यू बहुत दीदी। अच्छा किया आपने शेयर किया, और अगले जी जी सेशन तो है ही, तो उसमें भी आप जी जुड़े रहिए। बहुत बहुत जी दीदी, शुभकामनाएं। बाकी दीदी मैं भानु भैया और उपासना दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छा बाकी हाँ, दीदी दीदी का भी नंबर है ही मेरे पास, रेवती दीदी से भी जुड़ी हुई हूँ, कुछ ऐसा होता है तो, मतलब ऑनलाइन के जी रिगार्डिंग ना उनसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ रेवती दीदी और भैया बता देते हैं कोई काम, और निधि दीदी से भी मैं कांटेक्ट कर लूंगी, तो कोई भी काम होगा तो मैं रेडी हूँ करने के लिए। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू शुभकामना। सो मच दीदी, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक लेके। थैंक यू दीदी।